हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे मेल एंड कैलेंडर एल कोड है 0x8004015 विंडोज 10 और 11 में कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो बड़े इजी और आसान स्टेप्स में हम इसे फिक्स करेंगे। कुछ स्टेप्स को आप इजीली इसे फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है CMD, राइट क्लिक करें कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर लें। परमिशन मांगे तो यस पे क्लिक करें और फिर इधर आप ये कमांड टाइप करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ये कमांड। आप वहां से कॉपी करके इधर पेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है ये और सेकेंड ये है। फर्स्ट आप इजीली टाइप कर सकते हैं, ये SFC वाला है, और ये सेकेंड तो थोड़ा हार्ड है, वरना आप टाइप कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना आप कमेंट करें तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आफ्टर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आप इसे क्लोज कर दें और फिर आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा अपने PC या लैपटॉप को। रिस्टार्ट के बाद आप इजीली रिजॉल्व कर लेंगे इस प्रॉब्लम को। अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व ना हो तो आप रिस्टार्ट करके देख लें, मेल एंड कैलेंडर को रीसेट करें और रिपेयर भी कर लें अगर प्रॉब्लम फिक्स ना हो तो। जैसे कि सिंपली आप सेटिंग्स को ओपन करें फिर आपको जाना होगा एप्स में, इंस्टॉल एप्स। इंस्टॉलिंग एप्स में आपको सर्च करना है MAIL मेल एंड कैलेंडर। तो आपको सिंपली इसके 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, मेल एंड कैलेंडर के 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, फिर एडवांस ऑप्शंस पे क्लिक करना है। फिर स्क्रॉल डाउन करके आप 2 ऑप्शन पाएंगे, रिपेयर और रीसेट। इन दोनों को रिपेयर और रीसेट करके आप चेक कर लें, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। थैंक्स वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ कमेंट करें वीडियो पे और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही यूजफुल वीडियोस पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।